जी ऐसे मेरे पास तीन लोहे के पाइप पड़े हुए हैं, इनका साइज़ सेम नहीं है, इनकी शेप भी कुछ ज़्यादा सेम नहीं है, तो अब मुझे इनको बिल्कुल प्रॉपर एक साइज़ के करवाना है। जो छोटे साइज़ का है उसके साइज़ के मैं बाकी के दो जो बड़े पाइप हैं उनको कटवा कर करवा लूँगी, तो हमें इनको सेम साइज़ का करवाना है। तो ऐसे मैंने तीनों को सेम साइज़ का कटवा कर करवा लिया। आपके पास अगर ऐसे लोहे के पाइप नहीं है तो आप प्लास्टिक के पाइप होते हैं लेकिन थोड़ा हार्ड होने चाहिए, जो थोड़ा सा वेट उठा सके, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कोई वुड की स्टिक हो, जैसे थोड़ी वो हो गोल शेप में, तो वो आप इतने के साइज़ की मोटी होनी चाहिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें कटवाने के बाद ऐसे मेरे पास ये दो वुड के पीस पड़े हुए हैं, ऐसे कटे हुए ऑलरेडी पहले से ही, तो इन दोनों का साइज़ सेम है, मैंने इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये जो प्लाई वुड होती है उसके पीस है जो वुड के मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं तीनों को जो पाइप मैंने कटवा कर रखे हैं उनको ऐसे सेट करके देख लूँगी, मुझे तीनों को रखना है लेकिन बीच में डिस्टेंस रखना है सेम, तो ऐसे मुझे आगे पीछे करते हुए इनको सेट करना है। तो सेट करने के बाद मैं पेन पेंसिल के साथ जहाँ पर निशान लगा लूँगी, तो ऐसे जो नीचे प्लाईवुड का पीस है उसकी मैं लेंथ जो है मैंने 6 इंच ली हुई है, लेंथ मैं उसको बो रही हूँ, जैसे आप पाइप रखे हुए नीचे की ओर जा रहे हैं इधर को मैं लेंथ बो रही हूँ, तो जो उसकी चढ़ाई है वहाँ मैंने 4 इंच लिया हुआ है। तो अब ऐसे राउंड में निशान लगाने के बाद अब मैं ड्रिल मशीन के साथ पहले ऐसे होल करूँगी जो निशान लगाए हुए हैं तीन। तो मैं जो आपको बो रही थी, मैं नीचे की ओर जिधर लगे हुए हैं निशान वो 6 इंच है और जो साइड पर है वो 4.5 इंच चढ़ाई ली हुई है, ऐसा पीस कटे हुए हैं ऑलरेडी मेरे पास थे, तो आप ऐसे पीस साइज़ के पीस कटवा सकते हैं। तो ऐसे मैं ड्रिल मशीन के साथ ये करती जाऊँगी। तो आप जहाँ पर पाइप जो हमने तीन यूज़ कर रही हूँ मैं, आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दो करते हैं तो फिर जो मैंने 6 इंच लेंथ ली हुई है वो आप 5 इंच भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे दो रखने पाइप या तीन रखने। तो मैं तीन कर रही हूँ, जो मैंने निशान लगाए हुए हैं पाइप रख कर उसके बीच मुझे सेंटर में मैं ऐसे ड्रिल मशीन को रख कर पहले होल कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे करूँगी। पाइप की लेंथ हमें जो लेनी है वो हम उस पर पहले जो हम घर पर टॉवल यूज़ करते हैं उस टॉवल को पाइप पर डालकर देख लेंगे, अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे कि वो पूरी तरह उस पर फैल रहा है, तो जितना उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ लेंगे। बड़ा हो तो बड़ा थोड़ा ले सकते हैं लेकिन कम से कम हमें टॉवल जितनी लेंथ होनी चाहिए हमारे पाइप की। तो ऐसे अब मैंने जो बीच में होल कर लिया था एक ड्रिल के साथ, तो अब फिर से वैसे ही ले, तो मैं ड्रिल मशीन के साथ ही रही हूँ लेकिन अब मैं ऐसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसे घुमा रही हूँ गोल गोल साइड साइड से, मुझे वुड को काटना है, मुझे बिल्कुल वही प्रॉपर गोल शेप चाहिए जैसा मैंने निशान लगाया हुआ पाइप को रख कर। तो ऐसे मैं घुमाती जाऊँगी ड्रिल को, बहुत स्लो स्लो कर रही थी मैं, एक्चुअली मैं थोड़ा आपको फास्ट दिखा रही हूँ वीडियो में लेकिन मैंने जो किया है काफ़ी स्लो स्लो किया है ये काम, मैं ऐसे बहुत धीरे धीरे ड्रिल मशीन के साथ इसे घुमाती गई, इसे गोल करती गई, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा कम रह गया तो पाइप नहीं बीच में आएगा, अगर ज़्यादा फैल गया तो पाइप लूज़ हो जाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल वही शेप देनी है जो पाइप के निशान हमने लगाए हुए हैं रख कर। तो ऐसे हम करते जाएंगे। तो एक हमें और ख्याल रखना है कि हम जो निशान लगा रहे हैं जो होल बना रहे हैं जे वुड के बीच, जे आगे की साइड नहीं जाना चाहिए, हमें इधर एक साइड पर ही ऐसे इसे डीप करना है लेकिन आगे नहीं निकलना चाहिए ड्रिल के साथ, आगे होल नहीं होना चाहिए, हम एक साइड में ही ऐसे होल करेंगे। तो ऐसे मुझे थोड़ा ऐसे इसे घुमाते घुमाते थोड़ा टाइम जरूर लगा जहाँ पर, लेकिन जो प्रॉपर गोल मैंने किए, दोनों जो वुड लिए हुए हैं दोनों पर मैंने सेम निशान लगाए हुए हैं, तो ऐसे दोनों पर निशान लगाने के बाद मैं दोनों पर ऐसे होल बना लूँगी ड्रिल मशीन की हेल्प से। जे डी ए में बस हमारा जहाँ पर ही थोड़ा टाइम लगने वाला है, बाकी बिल्कुल इजी है, कोई हमारा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे दोनों जो वुड के पीस लिए हैं दोनों में जो 6 होल करने हैं, 6 होल करने में मुझे 40 से 50 मिनट लग गए, क्योंकि मैं नॉर्मली ड्रिल से कर रही हूँ, तो अगर हम किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, कारपेंटर से करवाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ईजी काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम घर पर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा मुझे 40 से 50 मिनट दोनों पर करने में। तो ऐसे मैं घुमाती गई ड्रिल मशीन को, तो ऐसे मैंने राउंड 6 होल कर लिए दोनों जो वुड के पीसेस लिए हुए हैं। तो अब मैं उनमें पाइप डाल लेती हूँ, डालकर एक बार चेक कर लेती हूँ।
तो अब मैं जो सेकंड पीस लिया हुआ है वुड का, जिसमें होल किए हुए हैं, अब उनके बीच भी पाइप डालकर मैं ऊपर से किसी बारी चीज़ के साथ हम ऊपर से सट लगाएंगे अच्छी तरह, जो फिक्स हो जाए। ऐसे मैं हथौड़ी यूज़ कर रही हूँ हमर, ऐसे हम ऊपर से सर लगा देंगे, वो पाइप प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए बीच। जी मैं अभी जस्ट चेक कर रही हूँ कि मेरा बिल्कुल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ऐसे ये बन चुका है। अभी ऐसे करने से ही ये फिक्स हो चुके हैं पाइप बीच में, तो ऐसे ही वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है। लेकिन मैं अभी इसे और थोड़ा पक्का करना चाहती हूँ, इनको एक बार निकालूँगी बीच से। अब ऐसे जो होल किए हैं उनके बीच में ऐसे ग्लू गन के साथ ग्लू डालती जाऊंगी, तो फिर से पाइप डालकर ऊपर से मैं ऐसे हथौड़ी के साथ फिर से सेट लगाती हूँ, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए, इसके खुलने का कोई डर ना रहे हमें। तो ऐसे ही मैंने सेकंड के बीच भी ग्लू डाल ली, तो ऐसे एक साइड मैंने तीनों पाइप सेट कर लिए। तो अब जो दूसरा पीस है वुड का, उसके होल के बीच, तीनों के बीच में ऐसे ग्लू फिल कर रही हूँ। तीनों होल के बीच मैंने ग्लू डाल दी है, तो डालने के बाद ऐसे ऊपर रख लेती हूँ, उसको फिर से सेट करूँगी। अब मैं फिर से ऊपर से थोड़ी के साथ इसे सर लगाती जाऊँगी, तो उसे प्रॉपर तरीके से फिट कर दूँगी। एक तो हमने हॉट ग्लू लगाई हुई है, सेकेंड जब हम ऐसे ऊपर से थोड़ी के साथ करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से पाइप बीच फिट हो जाएंगे वुड के। तो जहाँ पर मैं जैसे एंगल होते हैं ऐसे, जो मेरे पास दो पीस पड़े हुए हैं घर पर, लेकिन जो स्ट्रेट है हम इसे एंगल नहीं बोल सकते, लेकिन एंगल की तरह इनके बीच जगह है जैसे हम स्क्रू लगा सकते हैं। तो ऐसे मैं इनके बीच स्क्रू लगा कर इसे हैंग करने के लिए पीछे सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसे वॉल के साथ हैंग करना है। तो अब जो वुड शो हो रही है, जहाँ पर हमने वुड के पीस काटे हुए हैं उनका कलर शो हो रहा है, जहाँ पर हमने पाइप लगाए हुए हैं कोई कहीं वहाँ पर कोई कलर शो हो रहा है ब्राउन कलर, तो मुझे उसे भी वाइट करना है। ऐसे मेरे पास वाइट कलर पड़ा हुआ है, जो वॉल कलर या जस्ट मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउन कलर कहीं कोई वुड का शो हो रहा है तो वो शो ना हो, जैसे वाइट है वाइट वाइट सही रहे। तो मैं सारे को वाइट कर दूँगी जहाँ पर ब्राउन है, ऐसे जहाँ पर जो वो मैंने लगाया हुए है पाइप लगाए हुए हैं, कहीं भी मुझे कोई ब्राउन कलर शो हो रहा है तो मैं वहाँ पर वाइट कलर कर रही हूँ। तो ऐसा सारे कलर करने के बाद आज की मेरी जो DIY मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, टॉवल होल्डर, जहाँ आप टॉवल हैंगर भी बोल सकते हैं, टॉवल होल्डर भी बोल सकते हैं, वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं जो मैंने तीन पाइप लगाए थे, तीन टॉवल के लिए लगाए थे, ऐसे उनके बीच स्पेस छोड़ी थी, क्योंकि टॉवल के बीच में स्पेस भी रहे जब हम बाथरूम में उन्हें हैंग करें, तो वो स्पेस भी रहे, ईजी से वो सूख जाए। जैसे हम नहाने के बाद उन्हें ऐसे हैंग कर देते हैं तो वो थोड़ा खुले रहेंगे तो सूखेंगे भी, उनके बीच कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने ऐसे एक होल्डर तैयार किया जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए टॉवल के बीच स्पेस है, आसानी से ये सूख जाएंगे। अगर हम वैसे नॉर्मली हैंग कर देते हैं तो वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, उनके बीच स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ ये होल्डर शेयर किया है।